परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, मिनट केवल 15 है। प्रत्येक कलाकार के लिए समय बराबर चल रहा है। आग्रह यह रहेगा श्रोताओं से, 15 मिनट केवल हमारी चिकड़ी की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं ले चलता हूं उसी प्रसंग की तरफ, अपना ध्यान एकाग्रित कर दीजिएगा। आदरणीय श्रोताओं, गुरु वशिष्ठ से राजा दिलीप कह रहे हैं, गुरुदेव जिस काम धनु गैया ने मेरे लिए श्राप दिया है कि कोई संतान पैदा नहीं होगी, इसका अब कुछ निवारण है? हाँ, इसका एक निवारण है। उस काम धनु गैया ने ये कहा है, राजन अगर तू मेरी संतान की सेवा करेगा, मेरी बेटी की सेवा करेगा, तो तेरे लड़का हो सकता है। और मेरी बेटी का नाम क्या है? नंदिनी। अर्थ में लिखा, गुरु वशिष्ठ से जुगत पूछ के राजा मन हर्षायो है, आज्ञा लेके मुनवरते लौट महल में आयो है। अपनी रानी ते राजा हंस हंस के बतरायो, यानी याकू सबरो हाल बतायो। गुरु वशिष्ठ ने अपनी रानी को पूरा वृतांत बता दिया, रानी अब हमारा लड़का होगा ये गुरु वशिष्ठ ने बोल दिया है, लेकिन मैं उस गैया की सेवा में जा रहा हूं जिसका नाम नंदिनी है, जिसकी बेटी है। कामधेनु की बेटी नंदिनी। अच्छा हाँ, और तू महला में रहना। मास्टर गुड्डू सुनिए, गाय न बिलम लगायो, ले गैया कुसंग वो राजा बिकट बदी में आयो। अरे गैया तीनी बोल रहा वो, अरे गैया तीनी बोल रहा वो, डोल बनी में राजा गैया भी तक भूला जा तो जा घास उग रही। तनक अगारी है चारों तरफ लखावे राजा, गैया के चले पिछारी है। खुल के गैया घूमे वन में, मन को सो चर रही है चारो, अब या कोई ना रोकन हारो। परमादरणीय श्रोता, गैया की सेवा में लीन हो गया राजा दिलीप। और अब होता क्या है, उस गैया को लेकर सुबह ले जाता था, शाम को वापस लाता था। एक दिन क्या हुआ, गैया को ले गया बियाबान जंगल में चराने के लिए, और दल में एक विचार आया, अब गैया को कोई भय नहीं है, अब गैया को छोड़ देना चाहिए चरने के लिए, और मुझे क्या करना चाहिए। राजा दिलीप विचार कर रहा है, आदरणीय पंच कमेटी में कुछ सज्जन विराजमान है, जो बातें ना करें मैं क्षमा चाहूंगा। कथा की तरफ ध्यान दीजिएगा भैया जी। एक दिन नप गैया ने की और
अपन के बीच पधारो है, और आसन मार आसन मार भजन पे बैठो प्रभु को नाम समारो है। गैया का छोड़ दिया चरना कर लिया और राजा दिलीप भजन में लीन हो गया, कथा ने मोड़ लिया। एक शेर की धार सुनी, एक शेर की धार सुनी, नंदनी के दिल में भाव से कारो है, कैया के दिल में भाव से कारो है, जान बचा के आदरणीय श्रोता। राजा भजन में लीन हो गया और एक शेर ने धार लगाई, शेर की आवाज को उस गैया ने सुना तो गैया दौड़ गई, जान बचा के भग गई गैया, यानी करीना पल की देरी है, भर छलांग शेर ने गैया फिर आगे दे घेरिए, कैसू मेरी जान बचाना, या के चिंता लग गई गाड़ी और गैया शेर के आगे है गई खड़ी, शेर के सामने खड़ी हो गई और निवेदन कर रही है जंगल के राजा, तू मुझे बाद में खा लेना और मुझे पता है मैं तेरा भोजन हूं, लेकिन मैं तेरे लिए तीन वचन दे रही हूं। मेरा एक इकलौता बछड़ा है, मैं उसको दूध पिलाकर अभी तेरे पास में आती हूं। आदरणीय श्रोताओ, नार ने सुना क्या कहा, गैया मेरे लिए तू वचन दे रही है, मैं वचन दे रही हूं। अरे बड़े बड़े वीर लड़ाकू योद्धा ज्ञानी ध्यानी दानी ना भरे वचन को दानी, मैंने बड़े बड़े ज्ञानी धानियों को देख लिया है, वो भी अपने वचनों पर नहीं टिके हैं, तू एक पशु है मैं कैसे मानूंगा। गैया रो रही है और कह रही है क्या, हाय हाय डकरा बनहर दे बोल रही पेना, रही पेना और गंगा यमुना की तहर गाय के बरस रहे नैना। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय परमाल सिंह चौपाइये वाले मबई, 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नार ने कह दिया गैया से चली जा, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन जल्दी आना, लौट के गैया आई है, लौट के गैया आई है, बेटा की सूरत देख
जोरती है कराई है जानती है प्यारो बेटा है जानती है प्यारो बेटा है कोई अमर पियल सील पट लाल के लिए लपेटा है कुमर ने लफ्ज सुनाई है कुमर ने लफ्ज सुनाई है जो सत्य बताए लौट क्यों जल्दी आई है श्री राधे। बछड़ा ने देखा माँ आज तू इतनी जल्दी से क्यों आ गई अभी तो सूर्य अस्त भी नहीं हुआ जो तेरी सेवा के लिए जाया करता था राजा दिलीप आज वो तेरे साथ में क्यों नहीं आया धाड़ मार के रो गई वो नंदनी नाम की गैया बोली मेरे लाल बेटा कन्हैया लाडले तू दूध आखिरी पी जियो भगवान भरोसे रहियो कुमल मत याद मोकू कीजियो पाला पोसा था प्यार से तो पे भारी लाड लड़ायो है समझ मेरी मजबूरी बेटा मेरो भक्त अखीरी आयो है तिरवा चामिन दिए नहर को मैं अपनों वचन निभाऊंगी जी भर के पीला दूध कुमर में लौट कबूना आऊंगी मेरा लाल मैंने एक नार के लिए वचन दे दिया है बेटा आज मेरा आखिरी समय है तू जितना दूध पी सके इतना मेरे स्तनों से दूध पी ले मेरे बछड़ा माँ दूध हाँ ध्यान से सुनना मेरी चिकड़ी की कथा से हर व्यक्ति के लिए एक उपदेश मिल रहा है मैं नया प्रसंग सुना रहा हूँ उपदेश क्या मिल रहा है एक पशु इस बात को कहता है वो बछड़ा इस बात को कहता है माँ तेने मेरे लिए बहुत दूध पिलाया दूध पिलाकर इतना बड़ा किया अब संतान का भी तो फर्ज बनता है माता पिता की रक्षा करना बछड़ा कह मेरी सुन ले मैया तीन मोकू अब तक दूध पिवायो है दूध को कर्ज चुकावे को माँ भक्त अभी तो दुख सुख पाओ दूध पिवाओ ना लाल स्वार्थी तेरो मैया मैं वचन निभा दूंगा माँ वो बछड़ा कह रहा माँ नहर तेरे लिए नहीं खाएगा वो जंगल का राजा नहर मुझे खाएगा चल मैं तेरे साथ में चलता हूँ जिद पर अड़ गया समय होने को है गाना नहीं सुना रहा हूँ गाना आज और कल आप बहुत सुनोगे इसलिए मैं कथा सुना रहा हूँ क्षमा चाहूंगा श्रोताओं से अगर मेरी कथा अच्छी लग जाए तो केवल तालियों का प्यार दे देना मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा अभी रुक जाना भैया बछड़ा को लेकर चली गई बियाबान में और नहर से बोली जंगल के राजा नहर मैं मेरा वचन निभाकर तेरे पास में आ गई हूँ तू मुझे खा ले बछड़ा कहे मेरी तू मुझे खा ले गैया कहे नहर मोकू खा ले अपनी ली जो भूख बुझाई है और बछड़ा बोले या मैया मत खावे ली जो मोकू खाई है दोन की जब बात सुनी तो बा राजा की खुल गई है तारी अब सुन लियो कथा कौन से राजा की ताली खुल गई राजा दिलीप की क्या बात है एकदम खड़ा हो गया और बोला जंगल के राजा नहर
आगे कदम मत बढ़ा देना। तीन ताल 16 मात्रा में उड़ान सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नजारों देख लियो गाड़ो एकदम भूप भयो कमेटी की तरफ से कोई पक्की चीज सुनाए। यही सुबह का वक्त एक हटके सुमरी सुना रहा हूं, बहुत ठुमरियां सुनी आपने, ध्यान से जरूर सुनना। राधा रानी ना जाए मिन्न